नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी एजमा सेंटर कोलकाता की ओर से। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं ड्रग एलर्जी के ऊपर। बहुत लोगों को ड्रग से, दवाओं से एलर्जी होता है और इससे बड़ा परेशानी में भी पड़ना पड़ता है। कई बार आँख, ठोंठ और चेहरा सूजन आ जाता है, कई बार रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सूजन आ जाता है। ऐसे सिचुएशन में हम लोग को इससे बचाव का क्या तरीका है? इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो लोग पूर्ण होते हैं ड्रग एलर्जी के लिए। पैरासीटामोल खाने से भी एलर्जी हो जाता है या ड्रग रैशेज हो जाता है बदन में, ये सब तरह का चीज़ होता है। इसके लिए हम लोग कर क्या क्या जा सकता है? आप लोग जो लोग नए दर्शक आए हैं उनसे मैं अनुरोध करता हूँ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करने के लिए, और पुराने दर्शक जो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी तक अगर आप अपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब बटन ऑल अगर प्रेस करेंगे तो सारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहले आपको मिलेंगे। आइए मूल चर्चा के विषय पर आते हैं हम लोग, ड्रग एलर्जी। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कुछ भी दवाई खाने से तुरंत एलर्जी हो जाता है। कभी सांस में भी दिक्कत हो सकता है, चेहरा सूजन हो जाता है, ओठ फूल जाता है, आँख जैसे बल्ज होकर बाहर निकल गया, इस तरह का परिस्थिति में भी पड़ना पड़ता है। सारे शरीर में ड्रग रैश हो जाता है ड्रग के एलर्जी की वजह से। कभी कभी तो एनाफिलेक्टिक शॉक जैसा भी सिम्टम आ जाता है। एनाफिलेक्टिक शॉक में हम लोग का सांस नली में ही सूजन होकर सांस चोक होने का भय रहता है, प्राण घाती भी हो सकता है। तो इससे जिनको इस तरह का प्रवणता है इन लोगों के लिए सजेशन दिया जाता है कि एक ड्रग एलर्जी टेस्ट करा के अपने पास रखें। ड्रग एलर्जी टेस्ट में हम लोग करीब करीब 50-52 तरह का जो नॉर्मल ड्रग्स हम लोग के डे टू डे यूज़ में लग सकता है उन तरह के दवाइयों का हम लोग परीक्षण हाथ में चमड़े में करते हैं, करके उसका रिपोर्ट बनाते हैं कौन कौन सा ड्रग कितना रिएक्टिव है, कौन सा ड्रग रिएक्टिव नहीं है। ये जानकारी होने से हम लोग एक रोड मैप अपना बना सकते हैं कि अगर कहीं कोई परेशानी हो, किसी डॉक्टर को दिखाना हो, तो वो ड्रग एलर्जी टेस्ट के रिपोर्ट के बेसिस में जो ड्रग रिएक्टिव है उसको एक्सक्लूड करके आप बाकी दवाओं का सेवन कर सकते हैं। और ये टेस्ट आधे घंटे का काम है, 50-52, और इंजेक्टेबल्स भी इसमें हम लोग टेस्ट करते हैं। बहुत लोगों को बहुत समय लोकल एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ता है डेंटल कारण की वजह से या और किसी कारण से, तो लोकल एनेस्थीसिया वाली इंजेक्शन भी कहीं रिएक्टिव हैं कि नहीं, या और कोई बड़े ऑपरेशन का संभावना अगर बनता है तो ऐसे स्थिति में कौन कौन सा इंजेक्टेबल्स जो एनेस्थीसिया में यूज़ होता है वो सारा रिएक्टिव है कि नहीं, ये कंप्लीट 50-52 तरह के ड्रग में मोर और लेस कवर किया जाता है। इसका चार्जेस 2500 रुपये होते हैं और ये आप अपॉइंटमेंट लेके नीचे जो दाहिने नंबर दिया होगा 7278034776 इस नंबर में कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके आप ये परिसेवा आके कोलकाता में ले सकते हैं। कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास मौलाली मजार और इंटाली सिनेमा हॉल के पास हम लोग अवस्थित हैं। आज के लिए इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, और अपॉइंटमेंट के लिए 7278034776 में कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है। आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें।